तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 37वां मैच जो कि खेला जाएगा माचाकोज यूनिवर्सिटी यानी कि MCU वर्सेज UON टाइगर्स यानी कि भाई UOT के बीच में। इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी ज्यादा शानदार विनिंग कर सकते हो। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई 20 लाख की GL लगी हुई है और भाई GL मैंने आपको कल जो पहली वीडियो बनाई थी ना मॉर्निंग में, मैंने उसी में आपको बोला था जाके आप वीडियो देख लो मेरी, अभी भी चैनल पर आपको मिलेगी। उस वीडियो को देख के आपको खुद पता लग जाएगा, मैंने क्लियर बोला था कि भाई आपको GL विन करवाऊंगा ही करवाऊंगा आज की तारीख में। और कल दो मैच में आपके भाई ने GL विन करवाया, एक मैच में हमारी टीम सेकंड रैंक पर आई थी। लगातार इतने अगर कोई GL विन करवा देना भाई आके मेरे को बोल देना, लगातार अल्ट्रा क्लीनशिप GL में स्मॉल लीग में हर जगह चल रही है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिएगा, रिजल्ट आपको वहां पर दिखेंगे। स्मॉल लीग तो हमारे कोई आसपास भी नहीं आ रहा, यहां पर आप देखोगे तो ये भाई हमारी स्मॉल लीग में विनिंग है। कोई चार कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, चार के चार क्लीन विन, ठीक है, कोई सिंगल कॉन्टेस्ट में हार नहीं। यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कोई आसपास भी हमारे नहीं भटकता, यहां पर आप देख सकते हो बेहतरीन तरीके से लगातार विनिंग कर रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो जितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए वो सारे विन किए। यहां पर अगर बात करें तो भाई जो ग्रैंड लीग विन की थी ना वो भी आपको दिखाता हूं, पहले स्मॉल लीग के रिजल्ट देखिए कल की कबड्डी के, ठीक है, फिर आपको GL भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये भाई 18 लाख वाली GL में हमारी 16 रैंक आई थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ये भाई कुछ अलग मैचेज है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है, रैंक एक आपके भाई के ऑलमोस्ट मतलब मिनी GL में 33 रुपये में 2 लाख वाली मिनी GL में, यहाँ पर आप देखोगे 49 रुपये में 1 लाख वाली GL में भी, 25 रुपये में 1 लाख वाली GL में भी रैंक एक, मतलब आप देख रहे हो लगातार भाई GL में रैंक एक लेके आ रहे हैं। यहाँ पर 3600 में रैंक एक हमारी आ रही है, हर तरीके से आपका भाई आपको विनिंग पे विनिंग करवाए जा रहा है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, और भी बहुत सारी GL विन थी यार। यहाँ पर आप देखो, ये आप देखो रैंक एक, ठीक है, मेन जो ग्रैंड लीग थी उसमें आपको 20 लाख की GL में रैंक 1 लाख की दी थी। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई जो भी आप मतलब जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, फाइनल अपडेट होगी, वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की पॉइंट टेबल में क्या पोजिशन है, उसके बाद भाई भी देखेंगे कौन सी टीम की स्टार्टिंग 7 में कौन से प्लेयर हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से अगर बात करें भाई तो माचाकोज यूनिवर्सिटी 6 मैच खेल चुकी है, 1 मैच जीती है, 5 मैच हार के आ रही है, -116 का स्कोर डिफरेंस और नंबर 11 पर दिख रही है। इनसे जस्ट ऊपर आपको दिखेगी UON टाइगर नंबर 10 पर, जो भाई 5 मैच खेल चुकी है, 1 मैच जीती है, 4 मैच हार रही है, -73 का स्कोर डिफरेंस है, तो ये भी इनसे जस्ट ऊपर ही दिखेगी, ज़्यादा कुछ फर्क यहाँ पर नहीं है। अब अगर यहाँ पर भाई बात करें कि कौन सी टीम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो भाई दोनों ही टीम ऑलमोस्ट बराबर है। हमारा मेन फोकस रहेगा कि बैलेंस टीम बनाकर हम यहां पर चले। और अब अगर बात करें भाई यहां पर बैलेंस टीम के साथ साथ तो स्टार्टिंग 7 की बात कर लेते हैं, कौन सी टीम की क्या स्टार्टिंग 7 रहेगी, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन उन सब के बीच में यार एक लाइक करने का टाइम निकाल लेना, मात्र 1 सेकंड में वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, 1 सेकंड का समय निकालकर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग 7 की, तो माचाकोज यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। एस मांबो की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे भाई KSL टीम के अगेंस्ट में इनकी परफॉर्मेंस, 5 टच पॉइंट, 5 बोनस पॉइंट, टोटल भाई सुपर 10 लगा दिया। यहाँ पर आप देखोगे तो 12 टच पॉइंट, 7 बोनस पॉइंट, यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि भाई एस मांबो आपके लिए डिफेंस सेक्शन में रहते हुए अच्छा खासा रीडिंग में काम करके दे देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ट्राई जरूर से कर सकते हो। और मोरया की बात करें तो इन्हें भी आप GL मिनी GL के साथ साथ स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको एक मतलब डिफेंस ऑलराउंडर के रूप में देखने को मिलेंगे। मेन काम डिफेंस करेगा लेकिन कुछ कुछ जगह पर भाई रेडिंग में भी आपको पॉइंट निकाल कर दे सकते हो, तो इन्हें भी आप अपने टीम में रख सकते हो। जेकियो को अब देखिए भाई यार ये स्टार्टिंग 7 में अगर रहा ना तो 100% आप इसे अपनी टीम में लेके चलिएगा, और ये भाई
आपको खेलेगा, खेल के देगा। और एक चीज और बता दूं, ए मूसा लगा लास्ट के 2 मैचेस में दोनों में भाई सब्सटीट्यूट लिस्ट में था, और दोनों में भाई परफॉर्मेंस देखिए वापस आकर क्या देखे गए। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर जे क्योको, इन दोनों को आप अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है, या फिर भाई अगर आप चाहो तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हो। बात करें अगर यहाँ पर रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको जो दिखेंगे वो दिखेंगे डी मुटिंडा, जिन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, और यहाँ से बस सिर्फ भाई डी किवुवा एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, इनके अलावा भाई किसी को भी स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है। अब अगर बात करें सामने वाली टीम की यानी कि यूओटी की, तो यहाँ पर भाई यूओटी की तरफ से भी देख लेते हैं, जे किन्वे आपको दिखेंगे रेडिंग सेक्शन में, और स्टार्टिंग के 2 मैच में भाई गजब परफॉर्मेंस है, 4 टच पॉइंट 7 टैकल। इससे पहले वाले मैच में आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको 2 टैकल 6 टच पॉइंट 4 बोनस, यानी कि भाई हर तरीके से आपके लिए एक प्रॉपर बेहतरीन प्लेयर देखने को मिलेगा। जरूर से आप इसे अपनी टीम में रखिएगा ही रखिएगा। इसके अलावा सीबीसी में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो एस्करांजा आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहने वाला है, इस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई करके चलिएगा। क्यों ट्राई करना है? क्योंकि रेडिंग के साथ साथ डिफेंस भी करके दे देगा, और डिफेंस के साथ रेडिंग करके दे देगा, बहुत ही शानदार प्लेयर है, हर तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो नेचुरली भाई ये प्रॉपर रीडर है, बट भाई बीच बीच में एक दो डिफेंस में पॉइंट ला के आपको दे देता है। विक्टर खंडीसा की बात करें तो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, मैं तो रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, प्लेयर बहुत शानदार है लेकिन भाई रिसेंट फॉर्म के हिसाब से क्या ही कर सकते हैं। एस मगेरो अगेन भाई बहुत ही शानदार प्लेयर है, एक भी मैच में खराब परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो सामने वाली टीम के भी डिफेंडर ऑलराउंडर है ना वो भी कुछ कम नहीं है, तो भाई एक ऑलराउंडर वहां से और एक ऑलराउंडर इस टीम से, ऐसे आप टीम बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हाँ अगर आप बड़ा रिस्क ले सकते हो तो भाई एस मगेरो को अपनी टीम में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर बात करें डिफेंस की, तो यहां पर एम रेमंड को आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एम एमानी की बात करें तो मैं इन्हें भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी हाँ अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग 7 में अगर होता है तो। अब चलिए भाई बात करते हैं टीम की, तो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं भाई टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, अभी के अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगी दोस्तों, वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टीम की बात करें, एस मांबो और नीचे आर मोरिया दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां से बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, यहां से एस करांजा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा यहां से विक्टर खंडीसा या फिर ए मोसा, इन दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। बट यार मन तो है मेरा एस मगेरो को भी लेने का, बट भाई मैं ले नहीं पाऊंगा किसी भी हाल में, अदरवाइज भाई मैं जरूर से इन्हें अपनी टीम में ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ बाकी अगर आप रिस्क टेकर हो तो भाई आप ट्राई कीजिएगा, और ग्रैंड लीग में तो जरूर से ट्राई कीजिएगा, और इवन भाई सी वी सी भी आप इसे बनाइएगा जीएल में, ठीक है। वहीं अगर भाई यहाँ पर बात करें सामने वाली टीम की, तो यहाँ पर भाई ए मूसिया को लेंगे सामने वाली टीम से, और यहाँ से अगर बात करें तो आपको जो प्लेयर लेने हैं यहाँ से वो एक तो जे किन्वे हो गया, और नीचे अगर आप चलोगे तो यहाँ से डी कुवा हो गया, और इसके अलावा जो एक और प्लेयर लेने हैं ना वो भाई अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छे प्लेयर है नहीं। देखिए 2-3 अच्छे प्लेयर और हैं जो ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्हें हम ट्राई नहीं कर सकते, तो यहाँ से भाई हमें ना चाहते हुए भी एम रेमंड को अपनी टीम में लेना पड़ेगा। कैप्टनसी की बात करें तो एस करांजा के साथ जाएगी। वी सी की अगर बात करें तो भाई वी सी यहाँ से मूसिया को देने वाला हूँ, जो भी ऑलराउंडर को आप रख रहे हो उन्हें वी सी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो भाई जे किन्वा को भी आप सीवीसी के तौर पर ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी के लिए जो मेरी स्मॉल लीग की टीम है ना वो आपके सामने, ग्रैंड लीग के 6 टीम जीएल के लिए 6 टीम जो आपको जीएल विन करवाएंगी, लास्ट मैच आपने देखा है वहां पर भी जीएल विन हुई और यहाँ पे भी जीएल विन करवाऊंगा। तो ग्रैंड लीग की 6 टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। स्मॉल लीग की टीम में कुछ चेंजमेंट होता है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर पता लगेगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।